गलत काम करते हैं हाँ, तो आपका बैंड बन जाता है। एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है ये, तो इस तरह की स्टोरी की है। फिर उन्होंने कहा शूटिंग है बांदा चित्रकूट में, तो चित्रकूट तो मुझे बहुत पसंद है जगह, तो मैंने कहा चलिए सर चलिए, तो हम आए थे यहाँ शूट करने के लिए, आ जाते 8 दिन से हम लोग शूट कर रहे हैं। आप लोग देख, मतलब इतना सा बताने से शायद दर्शक नहीं देखेंगे वो, आप अगर थोड़ा सा आप और ज़्यादा बता देंगे तो ये फिल्म का बेस्ट है स्टोरी है। बांदा और बुंदेलखंड धीरे धीरे ही सही पर फिल्म सिटी बनने की ओर बढ़ चला है। महीने दो महीने में यहाँ कोई ना कोई फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग होने लगी। पहले भोजपुरी के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री काजल राघवानी की लिट्टी चोखा, और उसके बाद भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ व युवाओं के बीच खासी पॉपुलर अक्षरा सिंह की फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप की शूटिंग को हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसके बाद बांदा के ही कलाकारों से सजी वेब सीरीज यूपी 90 ने भी धमाल मचाया। अब उसके बाद फिर से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने बांदा में वेब सीरीज की शूटिंग कराई। इस वेब सीरीज का अभी कोई नाम तो तय नहीं हुआ है, पर इसके जो दो एपिसोड्स की शूटिंग यहाँ हुई है उनके नाम है बजा बैंड और शॉर्टकट। बजा बैंड में तो मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी बांदा की धरती पर आकर अभिनय किया। बजा बैंड और शॉर्टकट मूवी की स्टारकास्ट जब बुंदेलखंड न्यूज के स्टूडियो में आई तो हमने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया। उनसे फिल्म के बारे में तो बात की ही, पर हमारी ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि आखिर ऐसी क्या बात है बांदा में कि लोगों को अब बांदा में शूटिंग करना आसान लगने लगा है। इंटरव्यू लिया हमारे एडिटर इन चीफ सचिन चतुर्वेदी ने। आइए आपको मिलवाते हैं बजा बैंड और शॉर्टकट फिल्मों के स्टार्स से। बांदा में शूट हो रही बजा बैंड के लीड एक्टर बाबा हर्षित आज हमारे साथ बुंदेलखंड न्यूज स्टूडियो में है। आइए उनसे जानते हैं कि ये बजा बैंड की स्टोरी क्या है, कैसे शूट हो रही है यहाँ पर। तो बाबा हर्षित जी, आपका स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज में। सर थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये बजा बैंड ये आखिर है क्या, ये कैसी फिल्म है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बजा बैंड की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है, जैसे कि आप लोग अभी हम लोग पैंडेमिक से गुजरे हैं, आप लोगों को सबको पता है, तो कुछ लोगों के घर कुछ इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे, लोगों के पास पैसे रुपये कुछ नहीं थे, तो उसी में एक ग्रुप है इन लोगों का जो कुछ एक गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं पैसे वैसे कमाने के लिए। तो आपको जैसा पता है कि अगर कोई भी आदमी गलत रास्ते पर जाता है तो उसका नतीजा गलत ही होता है, तो कुछ इस तरह की स्टोरी है इसमें। तो एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है ये, तो इस तरह की स्टोरी की है। आपका रोल क्या है इसमें? मैं भी एक वही बना हूँ, इंस्पेक्टर हूँ इस पर, लेकिन थोड़ा सस्पेंस है आगे। आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं, जैसे दर्शक हमारे थोड़ा सा समझें कि बजा बैंड आखिर ये नाम क्यों रखा गया। ये ऐसा नाम है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं हाँ तो आपका बैंड बच जाता है। अच्छा, तो इस तरह से आपने इसका नाम रखा है बजा बैंड। बजा बैंड हाँ, इस तरह बैंड बच गया, बैंड बच गया, इस तरीके से है। तो पूरी एक बैंड की स्टोरी है ये। ये चार बैंड वालों की स्टोरी है। अच्छा। जिन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वही जो शादी वगैरह में बैंड बजाते हैं वो, तो वो लोग बहुत ही बुरे समय से गुजरते हैं, कुछ ऐसी स्टोरी है। फिर उन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो कुछ गलत काम की तरफ जाते हैं, और कुछ ऐसा ही है। कहानी थोड़ा सा सीक्रेट रखना है, रिवील करना नहीं चाह रहा था अभी, क्योंकि हमको डायरेक्टर साहब को भी जवाब देना होता है। तो आप उस गलत काम को पकड़ने वाले बने? हाँ, बस उसके आगे कुछ सस्पेंस है वो। आप जब आप कौन कौन इसमें एक्टिंग कर रहे हैं? इसमें राजीव निगम जी हैं, कॉमेडियन राजीव निगम, कॉमेडियन राजीव निगम, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैनल के जो आपको देते जानते हैं उनको सब, विशाल श्रीवास्तव हैं वो भी राइटर हैं बड़े, और अलौकिक राही जी जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, शिशिर सिन्हा वो भी हैं इसमें, वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको भी आप अभी देख मिल लेंगे उनसे। और इसके अलावा बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जो काम कर रहे हैं। तो कब से आप शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और कितने दिन शूटिंग? मुझे लगता है अब ये 8वां दिन हम लोगों के शूटिंग का है, और 2 दिन और शूट चलेगा, उसके बाद ही शूट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कितने देर की फिल्म है ये? और बेसिकली ये एक बंचेज ऑफ मूवीज है, जैसे आप करके एक 5-7 मूवी का बंच है, और उस 5-7 मूवी के बंच में आपको डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगे। जैसे ये है, इसके बाद एक और स्टोरी हमारी जैसे अभी शॉर्टकट शूट हुआ था आज, और फिर इसके बाद लखनऊ में एक शूट है चौशर करके है, तो ऐसी अलग अलग करीब 5-7 स्टोरीज हैं इस पर जो शूट होंगी एक साथ पर रिलीज। तो कितनी देर की होगी मूवी ये? अब ये टाइमिंग थोड़ा सा आपको डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे। हो देखिए, चलिए
वही 30-35 मिनट की एक 30-35 मिनट की मूवी इस टाइप से कई और जैसे सीरीज होती है। अब सीरीज वगैरह देखी तो पहली सीरीज आएगी, फिर दूसरी सीरीज आएगी, तीसरी सीरीज आएगी, तो इसी तरह की सीरीज है। ये कहाँ पर रिलीज होगी? OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ठीक है, आजकल चूंकि उसी का दौर चल उसी का दौर चल रहा है तो आजकल उसी बिल्कुल लोग वही देखना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें कैसे क्या आप लोगों को बांदा की लोकेशन कैसे बांदा का ये है कि थोड़ा सा बीहड़ का क्राइम का सीन था उस पर, और दूसरा जी कि आप लोगों का प्यार इतना अच्छा है बांदा का कि हम लोगों ने कहा बांदा में जाके शूट कर लेते हैं। किसने बताया आपको कि बांदा मतलब कोई ना कोई तो ऐसा चित्रकूट और बांदा के बारे में तो बहुत पहले सुनता रहता था, तो मैं बहुत सारे म्यूजिक एल्बम भी हैं मेरे, आप देख सकते हैं यूट्यूब में अगर मेरा डिश योग लगे काम किया था मैंने, कुछ पंजाबी एल्बम्स हैं और थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने जब मेरे पास अलौकिक जी का फ़ोन आया था तो हर्ष एक ऐसा काम है आप इसमें इंटरेस्टेड हैं क्या, तो उन्होंने फिर मुझे भेजी स्टोरी वगैरह, तो मुझे स्टोरी वगैरह पसंद आई। फिर उन्होंने कहा शूटिंग है बांदा चित्रकूट में, तो चित्रकूट तो मुझे बहुत पसंद है जगह, तो मैंने कहा चलिए सर चलिए, तो हम आए थे यहाँ शूट करने के लिए। आ जाते 8 दिन से हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आपसे पर्सनल आपकी कुछ चीज़ें कि जैसे आपका नाम है बाबा हर्षित जी, तो ये बाबा हर्षित का मतलब कैसे नाम? मैं एक एल्बम किया बचपन से ऐसा नाम था बाबा हर्ष? नहीं नहीं, मैं अभी दिखाई दे रहे हैं बाबा, नाम हर्ष है। हाँ, वैसे मेरा नाम हर्ष भटाड़िया हुआ। तो मैं एक एल्बम किया था बीच में दिल ब्लॉक करता, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, तो उसी से फिर होता ना कि बाबा हर्षित मेरे बाल कुछ बड़े थे उसमें, सर पंजाबी लुक था, तो फिर लोगों ने वही पैसे को जितने भी फैन थे वही बाबा हर्षित कर गए, फिर वो नाम ऐसे हो गया कि सारे लोग उसी नाम से बुलाने, सब वही नाम चल रहा है। उसी नाम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली उत्तरांचल से हूँ, बस सेटल्ड है लखनऊ में, फैमिली पूरी सेटल्ड है लखनऊ में ही सेटल्ड है। इसलिए आप बुंदेलखंड के ज़्यादा नज़दीक हैं, बुंदेलखंड पास में? हाँ हाँ, इसलिए बुंदेलखंड ज़्यादा जानकारी है, इसी यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से। अब क्या आ गया का प्लान है कि कहाँ यहाँ पर कोई और शूटिंग का प्लान हो गई? अभी इसके बाद मेरी पंजाबी 2 मूवीज़ का है ऑफर है, वो भी मुझे सब खत्म करने के बाद उनके लिए करेंगे। फिर अभी तो हमारे पास में अभी और इसी सीरीज़ में कम से कम 4-5 मूवीज और पड़ी हुई हैं, उनको शूट करना है, उसके बाद आगे करेंगे। हर्षित आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भी आगे आएँ यहाँ पर और भी फिल्में बनाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू।